बाहुबली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नालासोपारा तुलिंज पुलिस ने हनी ट्रैप लगाकर एक महीने से फरार बलात्कार के आरोपी को किया गिरफ्तार। नालासोपारा के तुलिंज पुलिस थाने की हद में महीने भर पहले एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपी सूरज शाठ से 24 साल को तुलिंज पुलिस ने थाने शहर के आनंद नगर से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस आरोपी को पकड़ने पुलिस ने हनी ट्रैप का सहारा लिया। आपको बता दें कि यह शातिर आरोपी बार बार अपनी मोबाइल टावर लोकेशन बदल रहा था। इस आरोपी को ढूंढने में पुलिस को रेलवे से लेकर रिक्शा व बस का प्रवास करना पड़ा। एक महीने पहले घटना को अंजाम देकर आरोपी सूरज साक्षात थाने शहर के आनंद नगर परिसर में जाकर छिप गया। तुलिंज पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक मल्हार थोरात एवं इस गुना के जांच अधिकारी इनको आरोपी सूरज के थाने शहर में छिपे होने का पता चलते ही आरोपी सूरज के सलाखों के पीछे डालने हेतु हनी ट्रैप का सहारा लेते हुए मोबाइल टावर लोकेशन निकाला। हनी ट्रैप के चलते पुलिस के चुंगल में आए एक और नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में बेटे सूरज साक्षात की आखिरकार अटक कर ली गई। इस घटना का आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इसके लिए तुलिंज पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले के आदेश पर गुनाह के जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक मल्हार थोरात पुलिस नायक जावेद तड़वी मध्यवर्ती गुनाह शाखा के कर्मचारी पुलिस नायक राजाराम काले ने मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी सूरज साक्षात को वसई न्यायालय में पेश किया गया एवं आगे की जांच पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। यहां पर 27/8/2021 को 16 साल की एक नाबालिग बच्ची ने कंप्लेंट दाखिल किया कि उसके ऊपर अत्याचार किया गया है। उस अत्याचार का आरोपी 27 तारीख से फरार था। उसको ट्रेस करने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए। वो अपने सब नंबर बंद करके अलग अलग जगह पे रह रहा था। 4 से 5 बार हम लोगों ने उसको ट्रेस किया, लेकिन ट्रेस नहीं हो पाया। हमारे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मर के हिसाब से उसने एक नंबर चालू करके रखा था, जिसके ऊपर वो सिर्फ व्हाट्सअप यूज़ करता था। इसलिए हम लोगों ने उसे हनी ट्रैप किया और हनी ट्रैप में उसने हमारी महिला पुलिस मित्र को मिलने के लिए बुलाया और हम लोगों ने आज उसे अरेस्ट किया है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन चालू है। आगे की तहकीकात किस तरह से शुरू होने वाली, केस में कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। सीनियर इंस्पेक्टर श्री राजेंद्र कामले सर के मार्गदर्शन में हम लोग आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कल उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। माननीय न्यायालय हिरासत में देने के बाद, रिमांड देने के बाद हम लोग आगे की तहकीकात करेंगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।